गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल वी स्टार्ट चैप्टर 3 लेजी जॉन। सबसे पहले हम चैप्टर पर आज की डेट मेंशन करते हैं। आप भी अपनी बुक्स ओपन कीजिएगा और उस पर चैप्टर 3 ओपन करके आज की डेट मेंशन कीजिएगा। अंडर द स्पैरिनी टैमरिंग ट्री, मतलब एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ जो कि बहुत फैला हुआ है। लेजी जॉन विथ हेड ओवर हिज फेस हेड स्लैप द होल मॉर्निंग। लेजी जॉन है जो पूरी सुबह, मतलब पूरे दिन क्या करता है वो, उस इमली के पेड़ के नीचे अपने हेड को अपने फेस पर रखकर उस इमली के पेड़ के नीचे सोता रहता है। सडनली ही हर्ड हिज मदर, अचानक उसे अपनी मम्मा की आवाज़ सुनाई देती है। जॉन वेयर आर यू, उसकी मम्मा क्या चिल्ला रही है, आवाज़ देने लगा रही है, जो मतलब जॉन तुम कहाँ हो, स्लीपिंग अगेन। और उसकी मम्मा देखती है कि वो सोया हुआ है तो वो बोलती है तुम दोबारा सो रहे हो। यू आर द लेजिस्ट बॉय आई हैव एवर सीन, मतलब तुम बहुत आलसी बॉय लड़के हो, मैंने तुम्हारी तरह बच्चा नहीं देखा है। यू स्लीप द मॉर्निंग अवे वाइल यूर फादर वर्क हार्ड इन फील्ड, तुम पूरी सुबह सोते रहते हो पूरा दिन, और जबकि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, खेत में कड़ी मेहनत करते रहते हैं। वॉट सेल आई डू विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। Still yawning, John got up, rubbed his eyes and stretched his arm lazily. तब जॉन क्या किया, अंगड़ाई लेता हुआ, उबासी लेता हुआ उठा और उसने क्या किया, अपनी आंखों को रब किया, मतलब मसला, और स्ट्रेच हिज आर, और अपनी जो हाथ थे उनको दोनों को स्ट्रेच किया। लाइक दिस पोजिशन, पिक्चर्स देखे हैं इस पोजिशन में, ओके। मदर मेट जॉन एट द डोर एंड सेड गो टू द मार्केट एंड बाय सम साल्ट एंड 5 लाइव क्रैब। मम्मा ने उसको बोला, दरवाजे पे खड़ी हो गई मम्मा और बोलती है कि जॉन तुम मार्केट जाओ और वहाँ से कुछ नमक और 5 जिंदा केकड़े लेकर आओ। डोंट प्ले ऑन द वे एंड सम बैक होम क्विकली, रास्ते में खेलने मत लग जाना और घर जल्दी वापस ही आना। जॉन टुक मनी जॉन टुक द मनी एंड वॉज सून हिज वे, जॉन ने पैसे लिए और कुछ देर बाद ही वह जल्दी ही कहाँ था, अपने रास्ते पर आ गया। रीचिंग द मार्केट ही शॉ द ओल्ड वुमेन सेलिंग क्रैब, जब वह मार्केट पहुंचा तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत क्या कर रही है, केकड़े बेच रही है। ही पिक्ड अप ए लॉन्ग स्टिक एंड पॉक द क्रैब, उसने क्या किया, एक लंबी स्टिक को लिया और है ना केकड़ों को देखने लगा, टच करके देखने लगा। हे व्हाट आर यू डूइंग विथ माई क्रैब, शाउटेड द ओल्ड वुमेन, तभी वह बूढ़ी औरत चिल्लाई कि तुम मेरे केकड़ों के साथ क्या कर रहे हो। आई वॉज ट्राइंग टू सी इफ दे वर अलाइव, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपके केकड़े जिंदा हैं, प्लीज गिव मी ए 5 क्रैबिंग वंस अगेन वंस, सेड जॉन। जॉन ने क्या कहा, दोबारा कहा कि प्लीज आप मुझे 5 केकड़े दे दीजिए जो कि बड़े हों। After getting the crab tied together, John move on the main selling side. John said, "If your salt is salt, then give me some." और कुछ समय बाद जब उसने केकड़ों को बांध, बुरी औरत ने क्या किया, केकड़ों को टाइट बांध कर उसे दे दिया और जॉन ने उसको ले लिया। उसके बाद जॉन कहाँ मुड़ गया, जॉन उस तरफ चला गया जिस तरफ एक आदमी क्या कर रहा था, नमक बेच रहा था। जॉन ने कहा कि यदि तुम्हारा नमक नमकीन है तो तुम मुझे थोड़ा सा दे दो। With the crab and small bag of salt, John started for home. Crab और salt लेके John कहाँ चल गया, अपने घर की ओर जाने लगा। Whistling he passed by the river bank. Suddenly he heard his friends calling him. सीटी बजाता हुआ वह नदी के पास से गुजर रहा था, तभी उसने क्या किया, अपने दोस्तों की आवाज सुन। John ने क्या सुना, John ने सुना कि उसके दोस्त बुला रहे हैं। John कम एंड प्ले विथ अस, आओ और हमारे साथ खेलो। इज नॉट नाइस डे टू हैव फन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह फन करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। पॉइंटेड आउट ऑफ क्रैब एंड साल्ट टू हिज फ्रेंड्स, जॉन सेड मदर नीड दिस, जॉन ने क्या किया, क्रैब और नमक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मम्मी को उसकी जरूरत है। बट आई हैव एन आइडिया, पर मेरे पास एक आइडिया है। अनटाइडिंग द क्रैब
ही सेड देम टू मदर इज वेटिंग फॉर यू सो वॉक होम गो स्ट्रेट ऑन हिज रोड एंड टर्न लेफ्ट एट द बिग ट्रेमलिंग थ्री यू विल सी द ओपन किचन डोर वेयर मदर इज गो गो। तो जॉन ने कहा मेरे पास एक आइडिया है, उसने जो क्रैप बंधे हुए थे उनको खोल दिया और उनको कहा कि मम्मा तुम्हारा घर पे इंतज़ार कर रही है तो तुम घर जाओ, यहाँ से सीधे जाना और बाद में लेफ्ट टर्न ले लेना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ आएगा, वहाँ पे एक किचन है उसका डोर ओपन है, वहाँ पर मेरी मम्मा खड़ी होगी, तुम जाओ जाओ। देन ही लुक्ड अराउंड फॉर ए सेफ प्लेस फॉर द साल्ट, फाइनली ही पुट बैग इन द रिवर वेयर द वाटर वाज वेरी स्लोली। और जल्दी ही उसे क्या मिल गया, चारों तरफ है देखने लगा नमक रखने के लिए स्वस्थ स्थान, और जल्दी ही उसे एक स्वस्थ स्थान मिल गया, सेफ स्थान मिल गया, सुरक्षित स्थान मिल गया, जहाँ पर उसने क्या किया नमक को रख दिया जहाँ पानी बहुत स्लो था। हेयर ही सेट हिमसेल्फ नाउ नो बडी विल वॉक अवे विथ हिज, और उसने देखा कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता है आएगा। इन नो टाइम, अब सोचने का समय नहीं था, जॉन वॉज विथ हिज फ्रेंड्स प्लेइंग एंड साउडली साउटिंग टू हिज हर्ट कंटेंट, अब जॉन उनके अपने दोस्तों के साथ चिल्ला चिल्ला कर खेल रहा था। ही रिमेम्बरिंग गो टू होम ओनली वेन द सन बिगिन टू सेट, और जब सूरज ढलने लगा शाम होने लगी तब जॉन को याद आया कि उसे घर जाना है। जॉन्स मदर्स स्टूड बाय द ट्रेमलिंग ट्री वेटिंग फॉर हर लेजी सन, जॉन की मदर क्या इमली के पेड़ के पास ही खड़ी थी और किसका इंतजार कर रही थी, अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। सीइंग जॉन सी साउटेड, वह जॉन को देख के चिल्लाई व्हाट डू यू हैव टू से योर सेल्फ, अब तुम्हारे लिए क्या कहना चाहोगे। समबडी सॉल्व द साल्ट एक्सक्लेम जॉन, जॉन ने क्या किया एक्सक्लेम किया कि मेरा किसी ने मेरा जो नमक था उसको चुरा लिया है। स्टॉल द साल्ट व्हाट डू यू मीन, चुरा लिया है नमक तुम्हारा क्या मतलब है, मम्मा चिल्लाई। यल्ड हिज मदर एंग्री, और उसकी मदर ने क्या कहा गुस्से में चिल्ला कर कहा। वेल अच्छा जॉन सेड आई हैड केप्ट इन अ वेरी सेफ प्लेस अंडर द वाटर एंड व्हेन आई वेंट टू फेच इट इट जस्ट वॉज नॉट देयर, जब मैंने उसको एक बहुत सुरक्षित स्थान पानी के नीचे रखा था परंतु जब मैं उसको वापस लेने गया तो वह वहां पर नहीं था। एंड व्हाट अबाउट द क्रैब, और क्रैब केकड़ों के बारे में क्या कहोगे, आज किस मदर, उसकी मदर ने पूछा। डिड नॉट दे कम होम, वे घर नहीं आए क्या, वे घर नहीं आए। आई एक्सप्लेन द डायरेक्शन टू हाउस वेरी क्लियरली, मैंने उनको घर का रास्ता बहुत अच्छी तरह से समझाया था। दे डिड नॉट लुक, दे डिड लुक इंटेलिजेंट एंड ऑफकोर्स दे वर अलीव सो दे कुड नॉट वर्क, एक्सप्लेन जॉन, जॉन ने क्या एक्सप्लेन किया कि वह दिखने में तो बहुत इंटेलिजेंट दिख रहे थे और वे जिंदा भी थे तो वे आराम से घर चलकर आ सकते थे। जॉन्स मदर शॉक विथ एंगर, और जॉन की मम्मा को क्या बहुत गुस्सा आया, गुस्से के साथ भी उसकी आवाज बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गई थी। सी कुड नॉट से अ वर्ड, और उनके पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। सी जस्ट टर्न हर बैग एंड हर्डली वेंट इनसाइड द किचन, और वह मुड़ी और कहाँ चली गई, गुस्से में पैर पटकती हुई किचन में चली गई। स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हर, और उसने की क्या जोर से गेट को बंद कर लिया। जॉन वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग अलोंग एंड वंडरिंग वॉट हैड गॉन रॉन्ग, जॉन वहां पे अकेला खड़ा रह गया और वह सोचने लगा कि ऐसा क्या गलत हुआ है जो मम्मा को गुस्सा आ गया। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा इस स्टोरी में कि जॉन जो था बहुत लेजी लड़का था, वह कुछ भी नहीं करता था, इतना गलत करने के बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया और उसकी मम्मा को कितना गुस्सा आया था ना। आई नो आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, अगर आप भी लेजी हैं तो अब जॉन की स्टोरी सुनकर आप अपने लेजी बन को लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ओके तो ये आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को एक बार दोबारा घर पे अपने आप योर सेल्फ रीड करना है। रीड योर सेल्फ।